हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी आईडीबीआई का पीजीडीबीएफ जैम वाला 2024-25 वाला नोटिफिकेशन आ गया है और उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। आप सभी ने नोटिफिकेशन तो अच्छे से आई थिंक देख ही लिया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहेगा, ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी। जो मेन चीज है यहाँ पर कि एग्जाम का जो ये प्रोग्राम होगा पीजीडीबीएफ का, उसकी फीस कितनी रहेगी, वो प्रोग्राम कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, आपको स्टाइफंड कितना मिलता है, बॉन्ड क्या रहता है, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करेंगे। और फिर एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस सिचुएशन में ये फॉर्म भरना चाहिए और कब नहीं भरना चाहिए। इसके अलावा अभी गाइडली जो है वो प्लेटिनम मॉक टेस्ट पैकेज लेके आया। आप सभी को पता है कि गाइडली के मॉक टेस्ट काफी अच्छे हैं और रियल एग्जाम से मैच करते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 1 ईयर का प्लान 479 रुपीज में और 2 ईयर का 679 रुपीज में। प्रीलिम्स और मेंस दोनों मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और हमारा कूपन कोड JAN12 लगाने पे आपको एडिशनल 12% ऑफ भी मिलेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम फीस की। तो देखिए 3 लाख जो है इसकी प्रोग्राम फीस है और उसके साथ GST भी लगेगा, मतलब 3,54,000 इसकी प्रोग्राम फीस होगी। तो अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख आपको भरने पड़ेंगे इंस्टॉलमेंट्स में। आप इसे चाहे तो वन टाइम भी भर सकते हैं या आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। जब सिलेक्शन हो जाता है तब वो बताते हैं कि आपको फीस किस तरह से पे करनी है। तो फर्स्ट तो फीस आपको इतनी देनी पड़ेगी, लेकिन दूसरी चीज ये कि ये जो फीस है ये रिफंडेबल भी होगी। ये फीस आपको रिफंड मिलेगा 5 deferred इंस्टॉलमेंट में, मतलब उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको वो फीस जो है वो 5 इंस्टॉलमेंट में रिफंड होगी। हर साल आपको 1 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, मतलब जो ये आप फीस दे रहे हैं अगर आप आईडीबीआई में रहते हैं तो आपका कुछ भी लॉस नहीं है। लेकिन अगर आप आईडीबीआई छोड़ देते हैं, कितने टाइम में छोड़ते हैं वो हम आगे देखते हैं बॉन्ड में। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई फीस में, जिन लोगों को आइडिया नहीं है ये जो फीस है इसमें कोर्स की भी फीस होती है, लॉजिंग बोर्डिंग आपका रहना आपका खाना वहां पर आपको ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर सब मिलता है, तो वो सारी चीजें इंक्लूड रहेगी। आपका जो रहने का है जो हॉस्टल होता है वो भी इंक्लूड रहेगा, जो आपकी कोर्स की फीस है वो भी इंक्लूड रहेगी, मतलब सब कुछ मिला के आपकी ये फीस है और ये पूरा 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। अब इसके अलावा हम अगर देखें कि स्टाइफंड कितना मिलता है, तो स्टाइफंड यहाँ पर जब ट्रेनिंग होगी 6 मंथ्स की तो आपको 5,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। तो जब आप बैंगलोर या नोएडा में जैसी सिटीज में रहते हैं तो आपका खर्चा भी होता है, तो खाने का और रहने का तो वो पे कर रहे हैं आपको ऑलरेडी, मतलब जो आपने पे कर दिया उसी में, उसके अलावा वो आपको 5,000 देंगे जिसमें आपका और भी जो छोटी मोटी चीजें होती है उसका खर्चा निकल जाता है। तो 5,000 सफिशियंट होता है, आपको एक्स्ट्रा खुद से खर्च नहीं करना, जो वो स्टाइफंड दे रहे हैं उसमें वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो इंटर्नशिप होती है 2 महीने की, उसमें वो 15,000 रुपीज पर मंथ देते हैं। तो ये हो गई इंटर्नशिप की बात। उसके अलावा ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, तो इसके अलावा जो बचा हुआ पीरियड है उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। 8 महीने तो आपका ये हो गया, 4 महीने आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी आईडीबीआई की किसी भी ब्रांच में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको कितना पे मिलेगा वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है। जिसने लास्ट टाइम जैम का एग्जाम क्लियर किया है और अभी उनका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है तो हमें एक बार उनसे ही बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पर कितना मिल रहा है। अभी ये चीज यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लैरिटी इसमें नहीं है। तो जैम जो है वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है और ये असिस्टेंट मैनेजर मतलब ये पीओ की पोस्ट नहीं होती, ना ही ये क्लैरिकल लेवल की पोस्ट होती है, उन दोनों के मिड की एक पोस्ट होती है जहां पर आपको जो सीटीसी है वो 6.14 लाख से लेकर 6.5 लाख के बीच में वेरी करेगा क्लास ए सिटी में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब जब आप 1 साल बाद आईडीबीआई बैंक को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट इतना सीटीसी मिलेगा, यहाँ पर क्लियर लिखा है। मतलब यहाँ पर आपको एक पीओ की जो सैलरी होती है 36,000 बेसिक पे वाली, वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो ग्रेड ओ ऑफिसर्स होते हैं जैम जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, उन्हें ग्रेड ओ ऑफिसर्स कहते हैं, उन्हें टीए एचए लोकल कन्वेंस सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी ये सारी चीजें मिलेगी जो एक ग्रेड ए ऑफिसर को मिलती है। लेकिन उसके अलावा जो अलाउंसेस होते हैं जैसे परफॉर्मेंस लिंक्ड वेरिएबल पे जो मिलता है वो, स्टाफ लोन के जो बेनिफिट्स है, परक्विजिट्स बेनिफिट्स एंड अदर फैसिलिटीज जो एक फुल टाइम एम्प्लॉय को मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो इसमें जितना लिखा है ऊपर वो ही मिलेगा यहाँ पर, बाकी आपको चीजें जो एक ग्रेड ए ऑफिसर को मिलती है या एक असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 को मिलती है वो नहीं मिलेगी।
उसके बाद जो आप जैम का जो कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और कंफर्मेशन हो जाएगा सर्विस में, तो उसके बाद 3 साल बाद आप ग्रेड ए ऑफिसर बनेंगे। मतलब देखिए यहाँ पर एक तरह से ये क्लैरिकल लेवल जैसा ही हो गया, क्योंकि जब आप एक क्लैरिकल लेवल की पोस्ट ज्वाइन करते हो तब भी 3 साल में आप पीओ बन जाते हो, वहां पर सेम यही चीज। इसमें यहाँ पर बस क्लर्क की जो पोस्ट है उसको ग्रेड ओ ऑफिसर का नाम दे दिया है, थोड़ी सी सैलरी इसमें बढ़ा दी है, लेकिन 3 साल बाद ही प्रमोशन होगा आपका ग्रेड ए ऑफिसर में। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोबेशन और पोस्टिंग की बात करें तो जो प्रोबेशन पीरियड है वो इसमें 1 ईयर का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो 1 साल तक आपका प्रोबेशन रहेगा और आपको कहीं भी पोस्ट कर सकता है बैंक टू एनी ऑफिसर्स ऑफ द बैंक। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको अपनी होम स्टेट मिलेगी, तो इसमें आप कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया सब कुछ इसमें पहले से इन्होंने लिख के दे दिया, ताकि बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए कि हमें यहाँ पर पोस्टिंग दी है। तो ये इसमें बहुत ही क्लियरली लिख दिया। अब इसमें जो सर्विस बॉन्ड है वो एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि फॉर्म भरने के पहले, क्योंकि इसका जो सर्विस बॉन्ड है वो 3 साल का है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें एक सर्विस बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मिनिमम 3 साल के लिए एक्सक्लूडिंग नोटिस पीरियड। मतलब मान लीजिए अगर आप छोड़ते हैं तो आप नोटिस पीरियड पे रहते हैं कि 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे आपके बॉन्ड में। उसके अलावा 3 साल आपको आईडीबीआई बैंक को सर्व करना है जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। अगर आपने 3 साल के पहले बैंक छोड़ दिया तो आपको 2 लाख प्लस टैक्सेस, 2 लाख प्लस टैक्सेस पे करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि जो आपके 3,54,000 जो आपने इनिशियली दे दिए हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। वो क्यों जाएंगे? क्योंकि वो तो 3 साल के बाद मिलने वाले थे, तो 3 साल पहले ही छोड़ दोगे तो वो तो अब मिलने ही नहीं है आपको। उसके अलावा आपको 2 लाख प्लस जीएसटी अलग से पे करना है। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर 3 साल के पहले आप छोड़ देते हैं, तो अगर आपने लोन लिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने 3,54,000 खुद से पे कर दिए विदाउट लोन, तो वो उनके उसी वक्त चले गए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 3 साल के पहले छोड़ दिया और आपने लोन ले रखा था एजुकेशन लोन, तो आपको जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एजुकेशन लोन का वो भी रीपे करना है और 2 लाख प्लस जीएसटी भी रीपे करना है। तो आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा इसमें बर्डन फील होगा जब आप छोड़ देंगे। इनकेस आप प्रिपेयर्ड है कि आपको लाइफ टाइम आईडीबीआई में ही जॉब करनी है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको कोई भी लॉस नहीं है यहाँ पर फाइनेंशियली। तो ये चीजें हैं यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना जब आप इसका फॉर्म भरेंगे। अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म नहीं हुई है, तो सबसे पहले तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 ही है, और बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है आईबीपीएस की, इनमें मैक्सिमम 28 या 30 होती है एज लिमिट। तो मुझे लगता है कि जब 25 ही एज लिमिट है तो आप क्यों उसका फॉर्म भर रहे हैं? मुझे नहीं लगता आपको उसका फॉर्म भरना चाहिए। पहले जब हमने एग्जाम्स दिए थे तब इनकी एज लिमिट 30 हुआ करती थी, तो उस केस में क्या होता था, जो 30 तक एज तक पहुंचते पहुंचते भी जिनकी कहीं जॉब नहीं लग रही है वो लोग इस एग्जाम का फॉर्म भरते थे और यहाँ पर जॉब ले लेते थे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन जब इसकी 25 मैक्सिमम एज है तो आपके पास तो अभी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और आप अगर ये भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके जो ऑप्शंस है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आपको बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ेगा आपके बहुत बिजी शेड्यूल में से, और पढ़ाई का टाइम निकालने के बाद ही आप कोई दूसरी एग्जाम निकाल पाएंगे। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना। फॉर्म भले भर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जो लोग को ऐसा लग रहा है कि जिनको फॉर्म की फीस से ज्यादा वो नहीं इशू नहीं है वो फॉर्म भर सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जिनको जॉब की बहुत ज्यादा नीड है और जो हमेशा आईडीबीआई में रहना चाहते हैं वो ही इसका फॉर्म भरना। बाकी सारे लोगों को मैं यही बोलूंगी कि अभी बहुत सारी और एग्जाम्स भी है, आप उस पर फोकस करो और दूसरी एग्जाम्स के लिए ट्राई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।